अस्सलाम वालेकुम। आ चुके हैं हम लोग एक बार फिर से एक और नई रिएक्शन वीडियो के साथ। और आज की जो रिएक्शन वीडियो है उसका टाइटल कुछ ऐसे है कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। निशु तिवारी का है। वैसे तो ये सोशल एक्सपेरिमेंट नहीं बनाती है, इनके प्रैंक्स होते हैं, बहुत मज़ेदार प्रैंक्स करती है। और ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट है। और लेट्स गो के चेकआउट करते हैं कि इस वीडियो में क्या है और इन्होंने क्या किया। और मतलब वही उसी टाइप का होगा कि लोगों से हेल्प मांगने वाला। तो इस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने इनके चैनल को चेकआउट नहीं किया तो इनके चैनल को चेकआउट कर लेना। मैं हूँ सैम और ये है निशु। और लेट्स गो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अच्छी मत बेटा रो मत। आप मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने बहुत लोगों से मदद मांगी पर कोई नहीं, हम देंगे पैसे आपको, जो पैसे चाहिए हम देंगे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मैं नहीं, मेरे को इतने नहीं चाहिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, सलाम वालेकुम, केम छो। कितनी अच्छी लग रही है यार, हिजाब किया हुआ प्रॉपर। आज की वीडियो मैंने बहुत ही मेहनत करके बनाई है क्योंकि ये कोई प्रैंक नहीं था, कोई भी फनी वीडियो नहीं थी, बहुत सीरियस मैसेज देने की कोशिश की गई है। बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है, आप लोग एक बार जाके वीडियो देखिए। मैं इस बार वीडियो के बाद मिलती हूँ आपसे। नमस्ते। आप लोग को परेशान तो नहीं किया ना मैंने? मैं आपसे आपको एक बात कह सकती हूँ अगर आप मतलब सुनो तो। मैं ना पाकिस्तान से आई हूँ और मेरे को कोई लेकर आया था नौकरी के बहाने से, और वो मेरे को यहाँ पे लेकर आया नौकरी देने के, उससे अब वो मेरे को छोड़ के चला गया। मेरे पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए भी नहीं, और आपको तो पता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मसला आप अच्छे से जानते हैं। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं, मैंने पानी नहीं पिया 2 दिन से, ना खाया कुछ, मेरी बहुत हालत ख़राब है। मैं आपको आप बस आपसे जितनी हो सकती है आप मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो। मुझे या तो कुछ खिला दो या थोड़े से पैसे दे दो कि मैं कुछ खा लूँ या पानी पी लूँ। अगर आपके पास है तो दे दो, मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ, बस मैं थोड़ी मजबूर हूँ इसलिए मदद मांग रही हूँ आपसे। अब देख सभी नहीं उनको बोलने दिए, अब बोलेंगे ना, अब देंगे ना पैसे। मैं यार पैसे वैसे निकाल भी के नहीं मांगती, चोर भी नहीं हूँ, मेरा कोई धंधा नहीं है, मैं सच में मजबूर हूँ। लेकिन जो मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब हेल्प करे, लेकिन लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब पाकिस्तान की लैंग्वेज है ही नहीं, चेंज है बहुत ज्यादा। हम यहाँ बैठे पार्क में, बार के हमने आपको परेशान तो नहीं किया ना? हमें ना आपसे एक मदद चाहिए, हम बहुत दूर से आए हैं और अब बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप हमारी मदद कर दो। कैसे मदद चाहिए? तो हम ना पाकिस्तान से आए हैं, हम बता नहीं रहे हैं यहाँ पे क्योंकि लोग बहुत अलग तरीके से हो जाती है बात। पाकिस्तान से आए हैं, हम अपने दोस्त के साथ आए थे और हमारा दोस्त हमें नौकरी के बहाने से लेकर आया था, और उसने बोला था वो हमारा काम भी लगवाएगा और हमारे घर में कोई कमाने वाला है नहीं, और हमें थे अपनी सारी जिम्मेदारी मांगने के लिए। अब वो हाँ, और अब हम स्टेशन पर बैठे थे, अब वो आया नहीं, 48 घंटे हो गए, खाना पानी कुछ भी नहीं, हमारा सारा सामान भी ले गया। अब बस इतनी मदद कर दो, आपके पास थोड़े से पैसे तो दे दो, हम चोर नहीं है ना ही भीख मांगते हैं, हम सच कह रहे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है ना खाने का है ना ही अभी अभी चेंज पास। है अगर आपके पास कुछ यहाँ भी पैसे। है 10 रुपए 20 रुपए चाहे जितने भी आप दे दो, हम बस एक वक्त का खाना खा लेंगे। देखो पैसे तो है नहीं, टोस्ट है, टोस्ट खाओ तो हमें ये भी चलेगा। हाँ बिल्कुल, हमें ये भी चलेगा। देखो कितनी अच्छी बात है, उन्होंने अपना दे दिया, अपना खाना दे दिया, नहीं हम ईमानदारी से बता रहे हैं, बहुत अच्छा किया यार, अपना खाना उसने दे दिया। मतलब कोई भी ना नहीं करता पाकिस्तान के नाम पे भी। एक मिनट, आप मेरे से बात कर सकती हैं क्या? मेरा नाम फातिमा खान है, मैं आपको बताती हूँ, मैं ना पाकिस्तान से आई थी दीदी, और मैं को ना कोई शादी के बहाने से लाया था शादी करने के लिए, और मेरा पासपोर्ट वीजा सब उसी के ही पास रह गया, वो मुझे लेकिन ये कि ये लोग हेल्प कर रहे हैं चाहे जहाँ से भी, ना ठीक से खाना नहीं खाया और ना ही मैंने कुछ पिया, और मेरे पास पैसे भी नहीं है इतने, क्योंकि आपको तो पता है हिंदुस्तान और उसका मसला जो चलता है उसकी वजह से कितनी दरार आती है, तो मेरे पास पैसे नहीं है बिल्कुल। वो तो शक्ल पे ही देख रहे हैं, मैं चोर नहीं हूँ ना ही मैं मांगने वाला।
खा लो, आप मुझे इतने पैसे दे दो कि मैं कुछ खा लूं। पाकिस्तान से कौन सी जगह से हो आप ये बताओ? मैं कराची से आई हूं। मेरे को इतना पता भी नहीं था, हम वहाँ पे घर में ही रहते थे। तो आपको कौन लेकर आया यहाँ पर, मतलब कोई लड़का या आपके मिलने वाला? हम प्यार करते थे जिससे, वही हमको बोल के लाया था। हमने सोचा कि हमारे साथ प्रेम में है, तो हम आगे हमारे साथ फरेब कर दिया उसने। आप बस हमको पैसे दे दो, हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं है। बस नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपको कहीं जाना है पहुंचा देंगे, कुछ खाओगी नहीं, पैसे चाहिए हम आपको देंगे, बस थोड़े से पैसे चाहिए। मतलब पूरा हो रहे कि कुछ चाहिए तो दीदी वो कहाँ गया? तो वो आपको यहीं कहीं छोड़ गया या मतलब कब से आप अलग हो? वो हमारे को लेके आया था, फिर हम लोग स्टेशन पर बैठे थे, फिर वो स्टेशन से पता नहीं कहाँ चला गया। हम 48 घंटे तक वहीं बैठे रहे, मुक्ति दिए थे, उसका वेट करे तो आया ही नहीं। रो मत बेटा, रो मत। देखो कितनी अच्छी बात है, और इसकी एक्टिंग भी चेक कर। झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने बहुत लोगों से मदद मांगी पर कोई नहीं, हम देंगे पैसे आपको, जो पैसे चाहिए हम देंगे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मैं नहीं, मेरे को इतने नहीं चाहिए। आप नहीं बेटा, कोई नहीं रखो, आप बेटा कोई बात नहीं, आप रखो। सुनो मेरी बात, सारे दे रहे, सारे दे रहे हैं। हमारी बेटी है, हम तेरी मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा तेरी मदद? इतने पैसे नहीं, कोई नहीं बात बेटा, रख ले, तू जाएगी अपने घर तक, तेरे सफर में काम आएंगे। धन्यवाद, आपने मेरी पैर मत छू हमारे, तू हमारी बेटी है, अल्लाह तुझे खूब दे, अल्लाह तुझे तेरे घर तक। और कोई परेशानी है तो हमें बता। नहीं बस इतना ही बहुत है, आपने मेरी मदद करी। धन्यवाद, नहीं बस बहुत शुक्रिया उसके लिए। चलो ठीक है बेटा, अच्छा। ये सबसे बेस्ट था, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच, आपने मेरी बहुत मदद करी। अच्छा वापस आइए, एक बात बतानी है कि हम लोग एक वीडियो शूट करते, सोशल एक्सपेरिमेंट चल रहा था, सामने कैमरा लगा हुआ है हमारा, कि हम ये देख रहे थे कि आप हमारी मदद करोगे नहीं करेंगे, पर थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सर। ये हमने इसलिए किया क्योंकि ऐसी सेम वीडियो पाकिस्तान में भी बनी थी, उन्होंने देखा था कि पाकिस्तान में हिंदुस्तानी बन के जाते कोई मदद करता है नहीं करता, तो हम भी बस ये दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तानी वीडियोस मैंने भी देखी है, मैंने खुद भी की हुई है, हटते हैं मदद करने से। तो थैंक यू सो मच, एक बार हाई कर दो कैमरा की तरफ। हम एक सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि अगर हम ऐसा कुछ बोल के किसी से हेल्प मांगते हैं तो पब्लिक करती है। सेम वीडियो पाक में बनी थी, पाकिस्तान में, तो वहाँ लोगों ने करी थी, तो हमें बस ये दिखाना था कि अगर ऐसा कुछ इंडिया में होता है तो हमारा इंडिया बहुत बड़ा है और यहाँ पे भी लोग बहुत दिलदार है, मदद करते हैं। दीदी यस ऐसे ही है, दिल सारे लोगों के बहुत बड़े हैं, सिर्फ ये कुछ पॉलिटिशियंस और उस तरह। आपको मेरी किसी बात का बुरा तो नहीं लगा? आप लोगों ने मेरी इतनी मदद करी, थैंक यू सो मच। हम लोग ना एक सोशल मैसेज शूट कर रहे थे, वीडियो कैमरा लगाओ, एक बार हाई कर दो। आप लोग जैसे, आप लोगों का दिल इतना बड़ा है ना, आप जैसे लोग हो जिन्होंने समाज को ये सिखाया कि आप लोग क्या कहते हैं कि आप शिव जी का जो तीसरा अर्धनारेश्वर जो रूप हो, आपका दिल भी वैसा ही है भगवान जितना, आपने मेरी मदद करी। ये वीडियो हम इसलिए शूट कर रहे थे क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी वीडियो बनाई गई थी, वो हिंदुस्तानी बन के पैसा मांग रहा था, तो हम भी दिखाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ तो हर तरह के लोग हमेशा मदद के लिए खड़े रहते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। बहुत मज़े की थी, और सबसे मज़े का पार्ट ट्रांसजेंडर वाला था। ऐसी ही एक सेम वीडियो पाकिस्तान में बनाई गई थी जिसमें एक लड़का हिंदुस्तानी बन के पाकिस्तानी लोगों से मदद मांगता है और ये दिखाने की कोशिश करता है कि अगर कोई ऐसा करता है तो पाकिस्तानी उसकी किस तरीके से मदद करते हैं। तो मैंने भी बस यही दिखाने की कोशिश करी है कि अगर ऐसा सेम हिंदुस्तान में होता है, हिंदुस्तान में कोई ऐसे पाकिस्तान से आके कोई मदद मांगता है, तो आज भी हमारे हिंदुस्तान में इनकार नहीं करेंगे। जात पात, धर्म, मजहब और यहाँ तक कि देश विदेश, इन सबको छोड़ के इंसानियत को पहले तवज्जो देते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप इंसानियत तो जाहिरी सी बात है, हर रिलीजन यही कहते हैं इंसानियत सबसे पहले, इस वीडियो को इतना शेयर करें कि इस वीडियो को बाहर भी लोग देख सके, हमारे हिंदुस्तान में भी सब देख सके और हिंदुस्तान के बाहर भी ये मैसेज जा सके। तो आप अपना प्यार ऐसे मैसेज होने चाहिए, अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ मिलते रहूंगा। जय हिंद। तो यार वीडियो बहुत ही कमाल की थी, और मैं अपना पर्सनली ओपिनियन अगर बताऊं तो मैंने खुद भी पाकिस्तान के अंदर एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया था, मेरे चैनल इसी चैनल पे पड़ा हुआ है लेकिन काफ़ी पुराना हो गया है, मतलब शायद 2 साल हो चुके हैं। तो मैंने भी एक वीडियो बनाई थी इसी तरीके से कि कमिंग फ्रॉम इंडिया, और इस तरीके से और लोगों ने हेल्प भी की थी, और मतलब लोग एक अच्छा मैसेज जाता था और कोई भी मतलब ऐसे बुरा फील नहीं करता है या कुछ भी ऐसा। मेरे कुछ दोस्त भी हैं जिन्होंने सोशल एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसे किए हुए हैं पाकिस्तान में भी, और वहाँ के लोग, वहाँ की भी हम लोग ये दूसरी वीडियो देख रहे हैं,
तो लोग हेल्प करते हैं, लोगों को कुछ भी बुरा नहीं लगता, मतलब लोगों के दिलों में इतना प्यार है एक दूसरे के लिए, चूंकि नजर आता है, मतलब चाहे लड़का हो लड़की जाए कोई भी हो, और आप लोग ऐसे बात करोगे और बताओगे तो अगले वो आगे से लोग खुश होगा कि खुश यार। होंगे और एक्साइटेड होंगे कि यार हमें मतलब मिल के अच्छा लगा। हाँ तो बस वैसे तो देखा जाए तो दोनों दोनों कंट्रीज के रहने वाले लोगों के दिलों में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल दिल साफ है एक दूसरे के लिए। तो ये तो कुछ पॉलिटिशियंस और कुछ अंग्रेज लोगों मीडिया, की वजह से ना मतलब हमारे मुल्कों के हालात खराब है। वरना तो सब एक ही जैसे हैं। हाँ, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो आप लोगों के लाइक्स बताएंगे, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है आप लोगों ने अपने दोस्तों के साथ। तो हम लोग एक और वीडियो के साथ दोबारा से मिलेंगे आपके साथ, तो तब तब तक तक के के लिए लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।